यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। हम में से बहुत से लोग विदेश में जाकर बसने, विदेश यात्रा करने का सपना देखते हैं, लेकिन सपने तो सपने होते हैं। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि किस्मत में होगा तो विदेश जाने का मौका जरूर मिलेगा। ऐसे भी कई लोग हैं जो विदेश जाने का सपना देखते हैं लेकिन उनमें उनका पूरा जीवन निकल जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कई बार विदेश यात्रा कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? विदेश यात्रा करने का रहस्य मनुष्य की जन्म कुंडली में ही है। इस विषय को आज हम विस्तार से जानेंगे और इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी आपको हम बताएंगे। तो गुरुदेव, सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंडली में आखिर कौन सा योग विदेश में पढ़ाई के योग बनाता है। जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे हालात बनते हैं और जन्म कुंडली का तीसरा घर, जन्म कुंडली का बारहवां घर और जन्म कुंडली का नौवां घर, ये तीन घर ऐसे हैं जो विदेश लेकर के जाते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर बच्चा जिस महादशा के अंदर पैदा हुआ है उस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए इंसान विदेश में जाता है, बशर्ते कि वो ग्रह तीसरे, बारहवें या नौवें घर के अंदर बैठा हुआ हो। तो ये टेक्निकल चीज़ है। ऐसी अवस्था में आपको स्वयं अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जिस महादशा में आप पैदा हुए हैं वो ग्रह अगर नौवें, बारहवें या तीसरे घर में बैठा हुआ है तो आप विदेश पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। एक तो ये योग है। दूसरा, अगर जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर केतु देव विराजमान है, शनि खराब विराजमान है, तब भी आप विदेश में जा सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु देव तीसरे, आठवें या बारहवें घर के अंदर बैठे हुए हैं तब भी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो ये योग बनते हैं विदेश जाने के और विदेश जाकर के पढ़ाई पूरी करने के। गुरुदेव, इससे पहले तो हमने चर्चा की कि पढ़ाई के योग के लिए कुंडली में कौन से ग्रह दशा का सही होना जरूरी है, लेकिन अब बताइए कि विदेश में जाकर जॉब करने के लिए कुंडली का कौन सा योग होता है? ये सारे जो योग मैंने बताए हैं इनके अंदर भी अगर ये लंबे समय तक आए हों, जैसे कि 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए कोई महादशा चल रही है और उसके अंदर का ये ग्रह है। अब मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, आम लोगों को शायद तकलीफ होगी लेकिन जो थोड़ा भी ज्योतिष को जानते हो उनको बहुत आसानी हो जाएगी। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह जिसकी महादशा चल रही है उसकी एक राशि बारहवें घर में आ रही है, दूसरी राशि उसकी तीसरे घर में आ रही है, तो ऐसा इंसान अगर विदेश का प्लान बनाता है तो बहुत कामयाब होगा और विदेश में जाकर के ही कमाएगा। चाहे नौकरी करे या व्यापार करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन विदेश में जाकर के ही कमाएगा। और अगर कहीं ग्रह स्वयं नौवें घर में, ग्यारहवें घर में, दसवें घर में बैठा हुआ और उसकी राशि बारहवें और तीसरे घर में बैठ गई तो समझ लीजिए ये सफलता, यानी कि विदेश में जाकर के असीम सफलता पाने का भी समय है। ठीक है, और ऐसे में इंसान विदेश में जाके बहुत अच्छी सफलता पाता भी है। लेकिन अगर छठा घर में बैठा हुआ ग्रह हो और बारहवें और तीसरे में उसकी राशि हो तो ऐसी अवस्था में विदेश में जाकर के इंसान नौकरी करता है। और लेकिन अगर सातवें में और दसवें के अंदर ग्रह बैठा हुआ हो, चौथे के अंदर ग्रह बैठा हुआ हो और बारहवें और तीसरे घर में उसकी राशि हो तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान विदेश में जाकर के व्यापार करके या कुछ किसी को सिखा पढ़ा करके कमाई करता है। ठीक है, लेकिन जन्म कुंडली के आठवें घर के साथ में संबंध हो या तीसरे में ही ग्रह बैठा हुआ हो और बारहवें घर में और तीसरे घर में उनकी राशि भी हो तो ये विदेश में जाके सफल होना असफल होना, सफल होना असफल होना, इस तरह के हालात बनाता है। तो इन योगों का अगर आप ख्याल करते हैं, अगर ये योग आप जांचना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप को डाउनलोड करके आप उसके अंदर प्रेजेंट अंतरदशा के अंदर देखिए कि आपका विदेश का योग बन रहा है कि नहीं। नहीं तो विदेश यात्रा की स्पेशल एक कैटेगरी बनी है, उसमें क्लिक करिए, आपको वो सारी डेटें नज़र आ जाएंगी जिन डेटों के अंदर आप विदेश जाना चाहते हैं।
गुरुदेव, विदेश में अगर कारोबार करना चाहते हैं, आयात निर्यात करना चाहते हैं या विदेश में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं तो कौन सा योग महत्वपूर्ण होता है? जन्म कुंडली का चौथा घर, उसके अंदर जो भी राशि है वो राशि का ग्रह अगर तीसरे, बारहवें या नौवें घर के अंदर बैठा हुआ है और उसकी दूसरी राशि किसी तरह से अगर दसवें घर से भी संबंध रखे या छठे घर से भी संबंध रखे तो या सातवें घर से संबंध रखे तो ये व्यापार के योग बनते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के योग बनते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर चौथे घर का ग्रह इसका तीसरे, नौवें, बारहवें के साथ में संबंध होना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे उत्तम है और ऐसे में विदेश में जाना आना, वहाँ सिलेक्शन करी फिर आना, वहाँ से माल मंगवाया फिर जाना, पैसे लेने के लिए पैसे देने के लिए जाना, ये आना जाना लगा रहता है। और बहुत सारी दुनिया ऐसी है बेटा जो महीने के अंदर 15 दिन फ्लाइटों में रहती है, उनके लिए भी ये योग पूरी तरह से काम करता है क्योंकि चौथा घर का संबंध है। तो रोज जाकर के अपने पैदाइश स्थली पे वापस आएगा, रोज जाकर के अपने घर परिवार के पास वापस आएगा, ये योग बनता है। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे तो होते हैं जो विदेश जाकर बसना चाहते हैं, इन लोगों के लिए कुंडली में कौन सा योग देखा जाता है? आज तुमने बहुत सारे लोगों की समस्या का हल निकालने का सवाल कर दिया। बहुत सारी दुनिया विदेश तो जाना चाहती है, कईयों के तो कुदरती योग होते हैं, उनकी आइल्स भी बहुत जल्दी हो जाती है, उनका वीज़ा भी जल्दी लग जाता है, बिना तकलीफ़ों के डॉक्यूमेंट सारे पूरे हो जाते हैं, चुटकियों में निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन पापड़ बेलते हुए उम्र बीतती चली जा रही है लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है, ऐसे में विदेश जाने के योग जन्म कुंडली में नहीं होते हैं, सिर्फ चाहत होती है, ठीक है। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, बहुत देर से तकलीफें झेल रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हो रहे हैं, इन लोगों के लिए अमृतमयी लाल किताब का एक उपाय है। जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर के साथ में अगर केतु का संबंध हो तो इंसान विदेश जाता है, 12वें घर के साथ केतु का संबंध हो तो विदेश में कामयाब होता है, 12वें घर के अंदर केतु देव का संबंध हो तो विदेश में बच्चे भी जाके पैदा करता है, तो यानी कि संपूर्ण उपाय तो यही बनता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम अगर बृहस्पति और केतु को जन्म कुंडली के 12वें घर में स्थापित करते हैं तो इंसान की विदेश जाने की जो मेहनत वो कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, उसमें कामयाबी पूरी तरह से कामयाब होगी और उनको इसका फल मिलेगा। तो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार एक दो रंग के कपड़े लाएं, एक सफ़ेद एक काले रंग का। जो काले रंग का कपड़ा है वो आगे से बिल्कुल कोना बनाते हुए आपने बनाना है और पीछे का जो सफ़ेद रंग का है वो डंडे के साथ में जो आपने एक होल बनाना है डंडे के लिए, ये एक तिकोना झंडा बनाएं सफ़ेद और काले कपड़े को मिला करके, लेकिन कोने वाला हिस्सा काला और पीछे वाला हिस्सा जो डंडे में लगेगा वो सफ़ेद, ये बना करके तिकोना झंडा 43 दिन डंडा लगा करके मंदिर की छत पर लगाए, गुंबद पे नहीं, छत पे ये लगाना है। तो ये केतु की स्थापना जन्म कुंडली के 12वें घर में होगी। इसके साथ में अपने घर की छत पे हर रोज थोड़ी सी चने की दाल आपने वो गिरानी है ताकि पक्षी चुग जाएंगे, कोई बात नहीं, तो हर रोज चने की दाल घर की छत पे गिराएं और काला सफ़ेद ये झंडा केतु की स्थापना ये मंदिर की छत पर लगाएं तो आपका विदेश जाने का सपना पूर्णतः सच होने वाला है और पूरी कामयाबी के साथ में सच होगा। गुरुदेव, कुछ लोग सिर्फ विदेश घूमने के शौकीन होते हैं तो क्या इसमें भी कुंडली का योग मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है। तुमने एक शब्द इस्तेमाल किया शौक, शौक शुक्र देता है, शुक्र का घर सातवां घर होता है और सातवें घर में बैठी हुई राशि, सातवें घर में बैठे हुए ग्रह की राशि अगर तीसरे और बारहवें घर के साथ संबंध करती है तो ऐसी अवस्था के अंदर शौकिया रूप से आदमी विदेश में घूमने जाता है या सातवें घर में बैठा हुआ ग्रह इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रयंतरदशा जब भी आएगी उस वक्त में इंसान शौकिया तौर पे विदेश में घूम के आएगा और पूरी मौज मस्ती करके आएगा। तो ये चीज़ आप हमारी ऐप से भी जान सकते हैं, एस्ट्रो साइंस ऐप से, और अपने पास कोई भी आपके यहाँ काबिल ज्योतिषी हो तो उससे आप पता कर सकते हैं कि सातवें घर में बैठे हुए ग्रह का समय कब आ रहा है अंतरदशा में, तो तब आप विदेश की यात्रा करके वाकई में अपने शौकों को पूरा कर सकते हैं।
गुरुदेव, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि उनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं, विदेशी नहीं बल्कि देश में भी, तो क्या घूमने के शौकीन लोगों के लिए भी कुंडली में कोई विशेष योग होता है? कहते हैं सात समुंदर पार की यात्रा चंद्रदेव करवाते हैं, और सूखी जमीन की यात्रा ये केतुदेव करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु का संबंध तीसरे घर के साथ में रहे या बारहवें घर के साथ रहे, तो ऐसा इंसान बहुत घूमने वाला होता है, अपने देश में भी विदेश में भी वो घूमता है। लेकिन जिनके चंद्रमा का संबंध तीसरे घर के साथ बन जाए, बारहवें घर के साथ बन जाए, ऐसा इंसान समुंदर पार की यात्राओं के अंदर वो घूमता है, और पहाड़ी इलाके का भी बनता है। पहाड़ी इलाके के लिए शनि देव को देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो ऐसे लोग जिनके शनि का संबंध दूसरे घर से, तीसरे घर से, चौथे घर से और बारहवें घर से बनता है, इन लोगों को सूखे एरिए पसंद नहीं आते, इनको ग्रीनरी वाले पहाड़ पसंद आते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर पहाड़ों के ऊपर जाकर के घूमने का जो रास्ता है वो शनिदेव तैयार करते हैं। और रेगिस्तानी इलाके में भी घूमने का ग्रह है, क्योंकि रेगिस्तान के कारक मंगल देव है, जिनमें पानी का अंश नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर मंगल खराब का संबंध तीसरे घर के साथ हो जाए, तो जितने भी फौजी हैं वो तीसरे घर के मंगल के कारण ट्रांसफ़र पे रहते हैं, और जिनकी ट्रांसफ़र वाली जॉब होती है कि मियाँ जम्मू में है और बीवी कन्याकुमारी में है, ऐसे जो हालात है ये खराब मंगल भी देते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर आदमी अपने घर पे उसका मन नहीं टिकता, हमेशा वो बाहर ही रहता है, या नौकरी की मजबूरी के कारण भी उसको दूर दूर और सूखे इलाकों के अंदर घूमना पड़ता है। देखिए, गुरुदेव ने बता दिया है, और आप उन उपायों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी इच्छा है विदेश में जाकर के बिजनेस करने की, विदेश में घूमने की, या फिर विदेश में सेटल होने की, अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर है 9999905922। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का, आप बने रहे हमारे साथ, और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव डी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।